नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रूबी लेज़र के बारे में। उम्मीद है कि आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे। इस वीडियो में आज हम रूबी लेज़र के कंस्ट्रक्शंस और उनकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में हमें लिखें, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आएंगे। तो शुरू करते हैं रूबी लेज़र। रूबी लेज़र को हमने चार भागों में डिवाइड किया है। वर्किंग सबस्टेंस, रिजोनेंट कैविटी, ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम और कूलिंग सिस्टम। सबसे पहले जो इसमें वर्किंग सबस्टेंस होता है वो रूबी क्रिस्टल लिया जाता है। रूबी क्रिस्टल एक Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है जो डॉप्ड विद 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 के द्वारा डॉप किया जाता है, जिसमें कि एल्युमिनियम एटम्स को क्रोमियम आयंस के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। रिजोनेंट कैविटी, रूबी क्रिस्टल को ग्रो करते हैं इन फॉर्म ऑफ ए रॉड। लगभग रॉड की लंबाई 10 सेंटीमीटर लेते हैं और उसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेट 1 सेंटीमीटर लिया जाता है। वन एंड इसका कंप्लीट रिफ्लेक्टर होता है और दूसरा एंड इसका पार्शियल रिफ्लेक्टर होता है। अब आते हैं ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम पर। एक हेलिकल ट्यूब होती है फिल्ड विद ज़ीनॉन गैस, इसको हम ऑप्टिकल पंपिंग सोर्स की तरह से यूज़ करते हैं। ये एक रूबी रॉड जो लेते हैं, रूबी रॉड के चारों ओर एक ग्लास का एनवलप होता है, उसके ऊपर ये वाउंड होती है हेलिकल ट्यूब, और ये कनेक्टेड होती है एक पावर सप्लाई के द्वारा। अब आते हैं कूलिंग सिस्टम पर। पूरे अरेंजमेंट को कूल करने के लिए इस ग्लास एनवलप के चारों ओर कोल्ड वाटर को सर्कुलेट किया जाता है, जिससे कि ये सिस्टम हीट ना होने पाए। ये एक डायग्राम है जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है रूबी लेज़र को किस तरह से बनाया जाता है। इसको आप देख रहे हैं, ये ग्लास चैम्बर है। इस ग्लास चैम्बर के ऊपर ये हेलिकल फॉर्म में एक ट्यूब है, ज़ीनॉन गैस फिल्ड ट्यूब, इसको लगाया गया है और इस ट्यूब के सिरों को एक पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया है। इसको ऑन करने के लिए इस ग्लास एनवलप में यहाँ से कोल्ड वाटर को सर्कुलेट किया जाता है पूरे सिस्टम को ठंडा करने के लिए। ये एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग 1 सेंटीमीटर डायमीटर की रूबी क्रिस्टल रॉड रखी गई है। इस रॉड को इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि इसका एक सिरा कंप्लीट रिफ्लेक्टर हो और दूसरा सिरा पार्शियल रिफ्लेक्टर हो। मीन्स 95% या 90% रिफ्लेक्ट करे फोटॉन्स को और 5-10% फोटॉन्स को पास होने दे अपने में से। तो ये आप देख रहे हैं रूबी लेज़र का कंस्ट्रक्शन का डायग्राम। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। रूबी क्रिस्टल में जो एटम्स होंगे, E0 इज़ द ग्राउंड स्टेट, E1 एंड E2 आर द एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ रूबी लेज़र। यहाँ पर आप देख रहे हैं E1 लेवल के जस्ट बिलो एक एनर्जी लेवल शो किया गया है, ये मेटा स्टेबल लेवल को यहाँ पर शो किया गया है। जब ज़ीनॉन फ्लैश ट्यूब को ऑन किया जाता है तो उससे जो ग्रीन कलर की लाइट के फोटॉन्स, जिनकी लैम्डा अप्रॉक्सीमेट 5000 एंगस्ट्रॉम होती है, और येलो लाइट के जो फोटॉन्स 5600 एंगस्ट्रॉम के लैम्डा के जो फोटॉन्स होते हैं, वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एटम्स के द्वारा। और जो एटम्स 5000 लाइट को एंगस्ट्रॉम करते हैं की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो E2 लेवल में, और जो 5600 एंगस्ट्रॉम की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो E1 लेवल में एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये एटम्स 10^-8 सेकेंड रुकने के बाद नीरेस्ट लेवल जो मेटा स्टेबल लेवल है इसमें आ जाते हैं। हालांकि कुछ एटम्स E0 में भी ट्रांजिट कर जाते हैं, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। मोस्ट ऑफ द एटम्स मेटास्टेबल लेवल में पहुंच जाते हैं। मेटास्टेबल लेवल में 10^-3 सेकेंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम है, इतने समय के लिए ये एटम्स एक्साइटेड स्टेट में रुकते हैं। और अगर
इनमें से कोई भी एटम स्पॉन्टेनियस एमिशन के द्वारा ग्राउंड स्टेट में आता है तो एक फोटोन प्रोड्यूस होता है। अप्रोक्सीमेट इन दोनों मेटास्टेबल लेवल और ई जीरो के बीच का डिफरेंस 6943 एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि रेड कलर का फोटोन होता है। अगर एक फोटोन प्रोड्यूस होता है तो ये फोटोन दूसरे जो एटम्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है और ये बहुत फास्ट स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। और रूबी क्रिस्टल की जो रॉड ली गई है ये लेफ्ट राइट टू एंड फ्रो फोटॉन्स बड़ी तेज़ी से उस रॉड में सर्कुलेट होने लगते हैं, जाने लगते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में ये यहाँ से मेटास्टेबल लेवल से ग्राउंड स्टेट लेवल में एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में एटम्स आने लगते हैं और बहुत अधिक मात्रा में हमें यूनिडायरेक्शनल इंटेंस और कोहरेंट लाइट के फोटॉन्स मिलते हैं। जो पार्शियल रिफ्लेक्टर एंड था वहाँ से ये फोटोन लगातार निकलते रहते हैं और पल्स के फॉर्म में मुझे रेड लेज़र पल्स यहाँ पर मिलती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन मेटास्टेबल लेवल में अचीव करना ही मेन उद्देश्य होता है इस लेज़र एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो इस प्रकार से जो लेज़र हमें मिलता है वो पल्स्ड लेज़र मिलता है और इस लेज़र की जो वेवलेंथ होगी 6943 एंगस्ट्रॉम का लेज़र मिलता है। यहाँ पर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होती है इस रूबी लेज़र में। पावर इनपुट अगर आप 1.5 किलो वाट का देंगे तो आउटपुट पावर मुझे 0.1 वाट की मिलती है। तो इस प्रकार से आपने समझा रूबी लेज़र का एक्शन। धन्यवाद। इस प्रकार से आपने आज सीखा रूबी लेज़र के बारे में। रूबी लेज़र एक पल्स्ड लेज़र होता है। जैसे ही ज़ेनॉन लाइट को फ्लैश करते हैं हमें पल्स के फॉर्म में लेज़र मिलती है। इस लेज़र का उपयोग हम मेटल की कटिंग में, डायमंड्स की कटिंग में करते हैं और कुछ ऑप्थेल्मोलॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें इस पल्स लेज़र का यूज़ किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर लिखें। धन्यवाद।